देश की शहादत पर हर वर्ष लगेंगे मेले, देश की शहादत पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही निशान है। जी हाँ, आपको बता दूं विराट नगर की उस खबर के लिए, शहादत उस देश के लिए दी जाती है जिस देश के लिए मन प्रेम सम्मान और भावना जब दिलों में बसती है, दिलों में प्यार बसता है। एक ऐसी खबर विराट नगर से मैं आपको बता दूं, आवाज न्यूज 24 के संवाददाता ने कैमरे में कैद किया प्यारा सा नजारा, और वह नजारा उस समय का नजारा था जब एक बहन अपने ससुराल से मायके आकर अपने शहीद भाई की कलाई पर राखी बांधती है, और राखी एक बार नहीं हर वर्ष बांधती है, क्योंकि उसे पता है उसके भाई ने अपने देश के लिए दिल दिया है और जान भी दिया है, क्योंकि हम हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है और ये वतन हमारा है, और वतन पे मरने वालों का यही निशान पर दिखाते हैं। खास कर अक्सर हम जिंदगी के साथ तो बहुत से रिश्ते निभाते हैं लेकिन मौत के बाद सब पीछे छूट जाता है, पर कभी ऐसा भी होता है जब भावनाओं के आगे तमाम बंदिशें बेमानी साबित हो जाती है। कैसी ही बहनें हैं जो अपने भाई की शहादत के बाद भी पिछले कई सालों से उसकी कलाई पर रक्षाबंधन की राखी बांध रही है। वह अपनी ससुराल विराटनगर कोला का बास कवरपुरा से 50 किलोमीटर दूर रामपुरा से इसलिए आती है कि उनके शहीद भाई की कलाई सुनी न रह जाए। दरअसल कोबरा बटालियन के शहीद मुकेश कुमार बुनकर झारखंड में पदस्थापित 24 सितंबर 2012 को नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अपने छोटे भाई के खोने के बाद बहन अंसा देवी, बबली देवी, महिमा देवी आज भी उसे अपने नजदीकी मानती है। रामपुरा में स्थापित भाई की प्रतिमा में उसकी कलाई बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार बनाती है।